पंचायती राज में शासन की योजना का आम जनों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। मामला सीतामऊ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रहीमगढ़ का है। दशरथ सिंह पिता उदय सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले सरपंच व सचिव के बताने पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए गए। शौचालय बनाने में साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए की राशि प्रदान करनी थी, जो अभी तक उन्होंने नहीं दिलवाई। पंचायत द्वारा ये निर्देश दिए गए कि हितग्राही ने पूर्व में योजना का लाभ ले लिया, लेकिन हकीकत तो यह है कि इनको वास्तविक योजना का पहले लाभ नहीं मिला है। पंचायत द्वारा गलत जानकारी दी गई है। सभी पंचायत में गाँव वाले को शौचालय बनाने पर 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों का कहना है कि शौचालय बनाने पर राशि दे रहे हैं, ये तो ग्राम पंचायत की लापरवाही है। मंदसौर से मनीष शर्मा के साथ मेहरबान सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह, पिता उदय सिंह जी। हाँ, कौन सा गांव है? गांव रहीमगढ़। अच्छा, कौन से पंचायत के अंतर्गत है? पंचायत सीतामऊ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहीमगढ़। अच्छा, किस समस्या से खड़े हो यहाँ पे? समस्या है कि सरपंच और मंत्री कहे अनुसार जो लेटरिंग बाथरूम जो कि अति आवश्यक है, उन्होंने बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान में जो लेटरिंग बाथरूम बनाना है, ये हमने कर्जा लेके बना लिया। और ये बनाने के बाद जो सरकार द्वारा स्वीकृत राशि है 12,000 रुपये, जब उनके पास में गए तो हमने बोला कि कर्जा लेके बनाया तो ये पैसा लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ये अभी पात्रता में नहीं आ रहे हो, और जो इसका लाभ फिर उन्होंने ऑनलाइन ID खोल के देखा तो बोला कि आपने इसका पूर्व में लाभ ले चुके हैं, और जबकि हमने लेटरिंग बाथरूम उनके कहे अनुसार अभी बनाए और पूर्व में कोई लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। अच्छा, अपने कूपन आपके नाम से? हमारे नाम से जी। तो आपको अभी तक मतलब कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई इसके अंतर्गत जो 12,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जा रही है? कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक जी। तो आपने आगे का क्या कार्रवाई करवाई? मैंने 181 पे फोन लगाया और वहाँ से सूचना आई कि सरपंच द्वारा बताया जा रहा है कि इनको लाभ मिल चुका है, हमारे को अभी तो ठीक है, बस 3 पीढ़ी से लाभ नहीं मिला है जी।